श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक सनसनी केस खुलासे हो रहे हैं। 26 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर की किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर में 35 टुकड़े कर दिए। यह कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली है, लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का है। उन्होंने इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार से जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वह जिंदा होती। बेटी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, जिद करती रही कि मैं अपने फैसले खुद लूंगी। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर बताते हैं, श्रद्धा और अफताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। श्रद्धा ने अपनी मां से 2019 में कहा था कि वे अफताब के साथ लीव इन रिलेशनशिप में है। इसके मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया था। तब श्रद्धा नाराज हो गई और उसने कहा कि 25 साल की हो गई हूं मैं, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है, मुझे अफताब के साथ लीव इन में रहना है, मैं आज से आपकी बेटी नहीं। यह कहकर वो घर से जाने लगी तो मेरी पत्नी ने काफी मिन्नतें की मगर वो नहीं मानी और अफताब के साथ चली गई। हमें उसके दोस्तों से ही उनकी जानकारी मिल पाती थी। श्रद्धा के इस फैसले की उसकी माँ को गहरा सदमा लगा, वो अक्सर बीमार रहने लगी। 2021 में उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद श्रद्धा ने मुझसे एक दो बार बातचीत की थी, तब उसने बताया था कि अफताब के साथ उसके रिश्ते में करवाहट आ गई है। उस दौरान वह एक बार घर भी आई और बताया कि अफताब उसके साथ मारपीट करता है। तब मैंने उससे वापस घर आने को कहा था मगर अफताब के मनाने पर वह उसके साथ चली गई। लिव इन में रहने के कुछ समय बाद श्रद्धा ने अपने पिता को बताया था कि अफताब उसे मारता पीटता है। इसके बाद भी उसने अफताब के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया। गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया